जी आया नु मेरे YouTube चैनल ताड़ा स्वागत है। मैंगो सीजन चल रहा है तो हम क्यों ना आज मैंगो केक बनाएं, वो भी सूजी से। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी ली है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि मुझे इसको, ये थोड़ी मोटी सूजी है तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए एकदम पाउडर बना लेना है हमें, बिल्कुल बहुत बारीक पीस लेना है। इसको मैं कंटेनर में डाल रही हूँ। ये 1 कप मेरी सूजी है तो अब मैं आधा कप मैदा ऐड करूँगी इसमें। मैंने इसमें आधा कप मैदा ऐड कर दिया, उसको मैंने अच्छे से छान लिया था उसके बाद ऐड किया है। अब हम मैंगो ब्रिक ब्रिक चॉप करेंगे। मैंने 3 मैंगो लिए हैं बड़े साइज के। अब 1 मैंगो जो है उसको मैं छोटे छोटे पीस में कट करके उसको बीट कर लूंगी। मैंगो जो है एकदम पका हुआ लेना, डार्क कलर का, ताकि हमें कलर, फूड कलर डालने की जरूरत ना पड़े। मैंगो को मैंने कट कर लिया। अब इसमें मैं आधा कप चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी मेरी नॉर्मल चीनी है, पिसी हुई नहीं ली मैंने। इसको जब बीट करेंगे तो वो ग्राइंड हो जाएगी। इसको ग्राइंड कर लिया, इसकी एकदम फाइन पेस्ट बन गई है। अब मैं इसको जो मैंने मैदा और सूजी छान के रखी है उसमें ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसको बीट करके इसमें ऐड कर दिया मैंगो को। इसमें मैं आधा कप ऑयल डालूंगी, रिफाइंड ऑयल है मेरा, कुछ भी डाल सकते हो आप, विदाउट सॉल्टेड बटर डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें, जो काफ़ी थिक है, इसमें मैं थोड़ा दूध ऐड करूंगी। अब ये मैंने इसको मिक्सचर को कर लिया मिक्स अच्छे से। इसको मैं आधे घंटे के लिए अब रेस्ट पे रखूंगी क्योंकि सूजी है, सूजी हमारी फूलेगी भी, उसके बाद फिर हम चेक करें। अब मैं ये वाले जो मैंगो हैं, इन दोनों मैंगो को भी छोटे छोटे पीस में कट कर लूंगी क्योंकि मुझे इसको भी बीट करना है, मुझे उसकी ग्लेज बनानी है केक की, क्योंकि मैं केक के बीच में भी थोड़ी लगाऊंगी और ऊपर भी। मैंगो मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के, मैंने मैंगो डाल लिया। इसमें मैं 4 टेबलस्पून के करीब चीनी डालूंगी और इसको अब मैं बीट कर लूंगी। अब मैंने इसको बीट कर लिया, इसको मैं बाहर निकाल लूंगी सारे को। एकदम फाइन पेस्ट बन गई है। कढ़ाई में केक बनाऊंगी तो मैं कढ़ाई को प्री हीट होना रख रही हूँ। मैंने 1 कटोरी नमक लिया, इसको अच्छे से मैं सारे पे फैला लूंगी। इसके ऊपर रख के इसको, स्टैंड को इसको कवर करके रख दूंगी। मीडियम लो फ्लेम पे रख रही हूँ ताकि इसको 5 मिनट प्री हीट होंगे। आधा घंटा हो गया है, ये मटेरियल काफ़ी थिक हो गया क्योंकि सूजी ना फूल गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी क्योंकि ये हमें थोड़ा सा और पतला करना है इसको, बैटर को। अब ये हमारा एकदम अब स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, थिक भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा और पतला भी नहीं होना चाहिए, एकदम जैसे रिबन की तरह होना चाहिए। मैंने टिन को ग्रीस कर लिया सारी तरफ से। अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर लगाऊंगी और बटर पेपर के ऊपर भी हम ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। अब ये हमारा टिन बिल्कुल रेडी है।
अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा पूरे उसमें मिक्स हो जाए। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, फिर हम टिन में शिफ्ट कर देंगे। अब ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर दूंगी। अब मैंने सारा इसमें टिन में शिफ्ट कर लिया। इसको हम हल्का सा बबल्स निकालने के लिए टैप कर लेंगे। अब मैं इसको प्री हीट होना रखा हुआ था, अब ये गर्म हो गया अच्छे से। इसको इसके अंदर रखेंगे, इसको कवर करके अब मैं 35 से 40 मिनट्स के लगेंगे इसको बनने में, लेकिन मैं 30 मिनट्स में चेक करूंगी इसको। इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही हमें बेक करना है। 40 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसको चेक करूंगी। अब ये बिल्कुल तैयार है, गैस मैं बंद कर रही हूँ। मैंने 30 मिनट्स के बाद चेक किया था इसको, तब ये पूरा कुक नहीं हुआ था। अब केक ठंडा हो गया, इसको मैं अब बाहर निकाल लूंगी। केक मैंने निकाल लिया, अब एकदम स्पॉन्जी है, ये देखो कितना सॉफ्ट है केक, एकदम फ्लफी फ्लफी है। अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी। मैंने जो ग्लेज रेडी करी थी उससे मैं इसको डेकोरेट करूंगी। मैं बीच में कट लगा के इवनली स्प्रेड अंदर भी कर दूंगी और ऊपर भी सारा स्प्रेड कर दूंगी, और ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह डालूंगी। आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने करा है आपको वैसे ही करना है। आप प्लेन भी खाना चाहो तो प्लेन भी खा सकते हो। मैंने मैंगो ग्लेज से जो रेडी किया था उससे मैंने पूरा इसको डेकोरेट कर लिया है, और ऊपर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम ये डाल दिए हैं। अब मैं इसको कट करके दिखाऊंगी। बहुत ही सुपर सॉफ्ट केक बना है। ये देखिए मैंने बीच में भी मैंगो की एक वो दी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैंगो सीज़न चल रहा है तो इसको एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके।